वेलकम टू श्वेताज मैजिक और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिली पनीर की रेसिपी. एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज. ये देखिए मैंने इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है. बड़े टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च, बड़े टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, ये 250 ग्राम पनीर है, और ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को काट लिया है, और ये जिंजर एंड गार्लिक. ये गार्लिक थोड़ा ज़्यादा लेने हैं आपको, 8-10 आप गार्लिक ले सकते हैं. और ड्राई मसालों में काले मिर्च, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, एंड कॉर्नफ्लोर ड्राई एंड कॉर्नफ्लोर का घोल. तो सबसे पहले हम एक पॉट में अपने सारे जो पनीर के क्यूब्स हैं इनको डाल लेंगे, और इसमें ये रेड चिली पाउडर मिला लेंगे, सॉल्ट स्वाद अनुसार, एंड ये कॉर्नफ्लोर, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है. जितना भी आप, ये 250 ग्राम्स हमारा है, मैंने 2 टेबल स्पून लिया है. अच्छे से इसको कोट कर लेना है. ये देखिए हमारे पनीर सारे अच्छे से कोट हो गए हैं कॉर्नफ्लोर में. अगर आपको लगे कि ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, अच्छे से कोटिंग करनी है उसकी. और हमने ये कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है इसको तलने के लिए. तो चलिए हम अपने पनीर क्यूब्स को इस रिफाइंड ऑयल में डाल देते हैं. इनको हमें रेड होने तक फ्राई करना है. ये देखिए हमारे पनीर कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं. ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे पनीर जो हैं वो फ्राई हुए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं. और मैंने नीचे पेपर नैपकिन लगाए हैं ताकि ये जितना भी एक्सेस ऑयल है ये सोक कर ले. तो अब हमने अपने 2-3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और इसमें हम जिंजर डाल देंगे, गार्लिक एंड चिली. इसमें आप जितना ज़्यादा गार्लिक डालेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा. अब हम इसमें अपने अनियन डालेंगे, ये हल्का सा रेड होने लगा है. अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे. मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी और उसको बड़े पीसेस में कट कर लिया था. थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे, और इसको हाई फ्लेम में हमें फ्राई करना है. ये देखिए हमारा ये फ्राई हो गया है, इसको मैंने हाई फ्लेम पर रोस्ट किया है. अब हम इसमें ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस मिलाएंगे. और केचप भी 2 टेबल स्पून. अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें अपने पनीर मिला देंगे.
सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से पूरा मसाला पनीर में कोट हो जाएगा। और ये हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। एंड अब लास्ट में हम इसमें अपने स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे। और हमारी चिली पनीर की रेसिपी रेडी हो चुकी है। और एंजॉय करिए ये रेसिपी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।